इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रूसी नौसेना भी यूक्रेन पर हमला कर सकती है। तो अब तक हवाई हमले की तस्वीरें आ रही थी जो हम आपको दिखा रहे थे, अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि रूसी नौसेना भी यूक्रेन पर हमला कर सकती है। तो हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है किस तरीके से यूक्रेन को उसके घुटनों पर लाया जा सके, जो शर्तें रशिया की तरफ से रखी गई हैं उसे मनवाया जा सके। बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो हर मुमकिन कोशिश रशिया कर रहा है और ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके के हालात है। वैक्यूम बम का इस्तेमाल रशिया की ओर से किया गया, हवाई हमले रशिया की ओर से किए गए, सेंट्रल स्क्वायर में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, मिलिट्री जो हेडक्वार्टर्स थे उसको निशाना बनाया गया। और इस बीच अब खबर यह आ रही है कि जो रूसी नौसेना है वो भी यूक्रेन पर हमला कर सकती है। तो महायुद्ध के 124 घंटे बीत चुके हैं और बड़ी कवरेज भी हमारी लगातार जारी है। कर्नल दानवीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, सबसे बड़ा सवाल कि यूक्रेन वो जो दावा कर रहा है कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये तो बात पुख्ता हो जाती है जब रशिया जो है वैक्यूम बम का इस्तेमाल करता है। देखिए, ये लड़ाई के अंदर अब कोलैटरल होगा, आम लोग भी मारे जाएंगे और कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ दुनिया में जिसमें निर्दोष और आम लोग ना मारे गए हों। और ये भी कोई निराला नहीं है, ये भी वैसे ही है, आप चाहे कितने भी दावे कर लीजिए लेकिन सिविलियंस बेचारे ज़रूर चपेट में आ जाते हैं और वो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब यूक्रेन कह रहा है कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं कह रहा है। एट द सेम टाइम रशिया का इंटरेस्ट नहीं है आम नागरिकों को टारगेट करना, इसीलिए अभी तक के ऑपरेशंस में आप देख रहे हैं कि उस लेवल की इंटेंसिटी अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। अब जरूर थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी दिख रही है लेकिन अभी भी उस लेवल की इंटेंसिटी नहीं दिख रही है, यानी कि रशिया अभी भी चाह रहा है कि ये सिचुएशन को अवॉइड किया जाए, डिजास्टर को अवॉइड किया जाए। बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जितनी कैपेबिलिटी है रशिया की, जो रशिया कर सकता है, उस तरीके के हमले अभी भी रशिया की तरफ से नहीं किए जा रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।